गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, क्लास आपकी 7th है और आज डेट है 7 अक्टूबर। विद्युत परिपथ के घटक। स्नेहा रवि की बहन है, अपने जो होमवर्क मिला गृह कार्य मिला, ठीक है। परिपथ होता है विद्युत, होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। परिपथ हमारा सर्किट होता है, ठीक है। गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अपने भाई को कहती है कि मेरे लिए बना दो, और उसके भाई उसके लिए बना देता है ऐसा कोई सर्किट जिससे बल्ब जलता है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता है, तो फिर वो कहती है कि मुझे समझा दो। तो देखो बच्चों, जब हम अब देखो मान लो अपने घर की हमें फिटिंग करनी है, ठीक है, तो हम किसी को पहले ही पूरा सारा मैप बना देंगे, यहाँ पे हमें बल्ब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, उसको पेपर पे समझाते हैं। अब पेपर पे तो हम बल्ब नहीं लगा सकते हैं ना, तो पेपर पे हम सिंबल्स के थ्रू समझाएंगे। तो ये हमारा बैटरी का क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। विद्युत सेल जो होता है, सॉरी बैटरी बोल रही हूँ, विद्युत सेल का सिंबल होता है। किस चीज़ का? विद्युत सेल का। और विद्युत बल्ब का ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और फिर ऊपर से ऐसे। ये विद्युत हमारा किसका? बल्ब का। अब देखिए, ये हमारा हमें किसका होगा? सर्किट का। सर्किट यानी कि जो हमारा स्विच जो ऑन है, अगर एक तरफ से ये हटा हुआ होगा, स्विच ऑन इस तरीके से। अगर स्विच हमारा क्या है, यहाँ से एक तरफ से हटा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर दूँ यहाँ से, ठीक है। अभी देखो ऐसे कर देती हूँ मैं, इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। अभी इसके साथ ये है कि स्विच ऑफ है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अगले डायग्राम में दिया हुआ है स्विच ऑफ कैसे होगा। स्विच ऑन का दोनों तरफ से जुड़ा होगा, स्विच ऑफ का एक तरफ से हट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाएगा। फिर बैटरी, बैटरी का एक बड़ा डंडा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बैटरी का सिंबल बना देंगे, राइट। फिर संयोजी तार का, जो तार जोड़ेगा। तो ये हमारा एक यहाँ पर बनाया हुआ है सर्किट, इसमें क्या क्या है, ये स्विच है, ये सेल है, और ये हमारा बल्ब है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सेल का बनाना है। सेल का तो आप ऐसे बना देंगे, बल्ब का भी आप क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। बल्ब का भी बन जाएगा, इसको यहाँ यहाँ से लेके आना है, ठीक है, बल्ब का भी बन जाएगा आपसे। फिर आपको बनाना है बैटरी का, तो बैटरी का यहाँ से बना देंगे, ये तीन बनाने हैं आपको, ठीक है, बैटरी का यहाँ से बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको बनाने हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि विद्युत परिपथ क्या है, एक बंद लूप है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है। अब थर्ड, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, दो विद्युत बल्ब, संयोजी तार, स्विच ऑन हो। तो स्विच तो ऑन है ही, तो इसमें एक बल्ब और लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा के, और यहाँ पे आप एक बल्ब लगा देंगे ऐसे, और इसे ऑन कर देंगे, वो भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। स्विच ऑन बनाना था ना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और आज का हम टारगेट रख लेते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स, ओके, देखते हैं हम इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं। आप भी अपने दिन का एक टारगेट रखना, सो देट कि आपके माइंड को टारगेट्स को अचीव करने की हैबिट हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।